So, good afternoon to all of you. So, I expect this is going to be the most beautiful moment. हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बात करेंगे, राइट? आई थिंक दैट विल बी कंफर्टेबल. कुछ लोग सिर्फ इंग्लिश बोलने पे बोर हो जाएंगे, कुछ लोग सिर्फ हिंदी बोलने पे हल्के मिले लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल गो फॉर द मिक्स वन, बिकॉज दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, राइट? बिकॉज मैं एक इंग्लिश मीडियम का फैकल्टी हूँ और हिंदी मीडियम का भी फैकल्टी हूँ एक्चुअली, तो आई एम कंफर्टेबल इन बोथ दी लैंग्वेजेस. बट प्रेजेंटली बिकॉज आई एम टीचिंग पॉलिटिकल साइंस इन इंग्लिश मीडियम एक्चुअली, सो मुझे इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है. सो आई थिंक यू ऑल विल बी कंफर्टेबल इन बोथ दी लैंग्वेज, आई एक्सपेक्ट दिस. सो इट्स अ स्टार्ट राइट विदाउट एनी डिले. सो योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, मेरे को एक चीज सिर्फ कहनी है आपसे कि आप लोग, बहुत बार मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, सो मेनी पीपल टेल मी दैट आई वांट ए गवर्नमेंट जॉब. सो दिस आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, व्हाट एवर यू वांट टू बिकम, इफ यू आर कंसिडरिंग इट एज अ गवर्नमेंट जॉब एंड नॉट योर ड्रीम, अगर ये आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब लग रही है और ये ड्रीम नजर नहीं आ रहा है, सो भाई मैं आपको बता रहा हूं, यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन, राइट? बिकॉज जब तक ये ड्रीम नहीं होता, जब तक ये सपना नहीं हो आपका, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट फॉर 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स. वो आग जो अंदर होनी चाहिए वो जब तक ना हो, तब तक इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से कोई फायदा नहीं है. सम पीपल वॉन्ट दैट यस यस मैं बहुत मेहनत कर लूंगा, मैं 12 घंटे मेहनत कर लूंगा, लेकिन 12 घंटे मेहनत करने से भी नहीं होगा जब तक कि आप सही दिशा में ना हो. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये इमेज आपको दिखाई जाए, अशोक खेम का, विनोद रॉय, एस जयशंकर, किरण बेदी, गुप्तेश्वर पांडे और ये विनय तिवारी, नया लड़का जिसको अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में असाइन किया गया था, ही वॉज अ वेरी यंग पर्सन, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर. आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट इफ यू वॉन्ट टू बिकम वन ऑफ देम, यू वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम. अशोक खेम का ये रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी को इसने अटैच कर दिया, हड़प लिया एक तरीके से, गवर्नमेंट को दे दिया. हाउ कम इतनी पावरफुल पर्सनालिटी से, हाउ कम एनीबडी कैन फाइट? अगर आज आप अपने आप से नहीं लड़ सकते, याद होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, वन हु रूल्स हिमसेल्फ रूल्स द वर्ल्ड, ऐसा इंसान जो अपने आप पे शासन करता है वो पूरे विश्व पे राज करता है. सो आई वॉन्ट टू टेल यू, इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू रूल ऑन योर सेल्फ. अगर आप अपने ऊपर शासन नहीं कर सकते तो आप कुछ भी कहानियां गढ़ते रहो फेल होने के बाद. वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट. जिसको कहना कोई कुछ नहीं सुनता, बिकॉज यू आर नॉट एन आईएएस ऑफिसर, सब कुछ बेकार हो गया. अब तो आप कुछ भी करो, रिक्शा चलाओ. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू बी डिसिप्लिन. जयशंकर कौन है भाई? फॉरेन मिनिस्टर आपका बनता है. ये सर्विस जो आपको आज मिलने जा रही है आईएएस, जब आप बनते हो तो ये एस जयशंकर तक बना सकता है आपको. ये किरण बेदी कहां से शुरू हुए, आईपीएस ऑफिसर, दिस शी वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, जो कि बहुत सारी वुमेन की आइडियल है. अगर ये आपको चाहिए, किरण बेदी आपको चाहिए, तो इसके जैसा स्ट्रगल भी तो आप कुछ करना पड़ेगा. ये गवर्नर बना दी जाती, कहीं की डिप्टी गवर्नर बना दी जाती. व्हाई? एक आईएएस ऑफिसर, एक एलीट बनते हो आप. तो ये जो गरीब दुखिया वाली मेंटेलिटी है अपनी ना, पहले उससे बाहर आओ. बिकॉज आई एम पुअर आई कैन नॉट डू इट, बिकॉज आई डोंट हैव मनी आई कैन नॉट डू इट, ये सब सेट हो जाता है, सब सेट हो जाता है. कितनी बार सुना है आपने, आपको याद होगा 48 रैंक पे सेलेक्ट हुआ था एक रिक्शेवान का बेटा. हर बार सुनते हो आप लोग, झुग्गी झोपड़ी वाला सेलेक्ट होता है. आपको लगता है उनकी परिस्थितियां अच्छी होती हैं सबकी? सो एवरी टाइम यू विल बी इन प्रॉब्लम. सबसे बड़ी बात है, आपको सारा पैसा दे दिया जाएगा ना,
आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, देन ऑल्सो यू विल बी इन प्रॉब्लम. वाई? बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन. जब सब ठीक रहता है तो दिमाग ही आपका खराब हो जाता है. सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अशोक खेमका, तो UPSC जानती है कि अशोक खेमका का 50 ट्रांसफर हो चुका है. ही हैज बीन ट्रांसफर्ड 50 times. वाई? बिकॉज ही फाइट्स विद द अथॉरिटी. वो अथॉरिटी से लड़ता है, गवर्नमेंट से लड़ता है अशोक खेमका. तो अगर गवर्नमेंट से लड़ जाता है, अपनी ही गवर्नमेंट से लड़ जाता है, क्या उसको प्रेशर नहीं होता होगा? एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर कितना प्रेशर होता होगा? बार बार उसको MLA, MP, एवरीबडी टॉर्चरिंग. तो UPSC जानती है कि यू आर गोइंग टू हैव इंटेंस प्रेशर. तो क्या उसे पहले टेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या उसे पहले टेस्ट नहीं करना चाहिए? तो दिस एग्जाम इज नॉट ओनली द टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल. दिस एग्जाम इज नॉट ओनली द टेस्ट ऑफ योर रीडिंग. नो, इधर न्यूज़पेपर पढ़ लो हो जाएगा. नहीं, यू हैव टू बिकम स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड. जब तक वो दिमाग अंदर से, जब सब परिस्थितियां, सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हों और आप मुस्कुरा के बोले वो माई गॉड, दिस इज द आइडियल कंडीशन. क्योंकि जब तक वो प्रेशर नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा. यू आर हेयर ऑन दिस अर्थ टू टेक एक्सपीरियंसेस. अरे एक्सपीरियंस लो ना, जबरदस्त वाला. तुम लोग तो सर्वाइवल मरे जा रहे हो. SSC, बैंकिंग, हैं? मैं कुत्ते बिल्ली भी जिंदा रह रहे भाई. समझो आप बात को. आई एम जस्ट टेलिंग वन थिंग, इफ यू वॉन्ट टू ड्रीम समथिंग. ड्रीम, आप समझ रहे हो? दो चीजें हैं, या तो सर्वाइवल या तो ड्रीम. आप लोग सर्वाइवल पे कंसंट्रेट कर रहे हो. आई वॉन्ट टू सर्वाइव. सर्वाइवल तो सबका हो रहा है भाई. आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग, इट्स माई ड्रीम. एंड दिस ड्रीम जो बड़ा होगा, आपको पता है जितना आप सोचोगे बड़ा वही मिलेगा आपको, छोटा सोचोगे वो मिलेगा आपको. आपको मैं एक एग्जाम्पल, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर आपको दिख रहा है, पानी 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 पानी. आप जाते हो उसके पास, आप बोलते हो मेरे को एक चम्मच पानी दे दो. ये तो समुंदर की बेइज्जती है. इन द नेचर एवरीथिंग इज एन अबेंडेंट. तुमने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी चाहिए मांग लो. नेचर के पास सब कुछ है. चंद्रमा है, सूरज है, पृथ्वी है. यू आर डिमांडिंग गॉड. गॉड के साथ क्या मांगते हैं? हमें एक तो नौकरी दे दो सरकारी. क्या बकवास है यार. यू आर गोइंग विद अ चम्मच, एक स्पून के साथ जाते हैं समुद्र में, कहते ये चम्मच से एक पानी ले लूं क्या? आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू वॉन्ट टू डिमांड फ्रॉम द नेचर. किससे मांग रहे हो यार? अंबानी से 5 रुपए मांगोगे क्या? इफ यू वॉन्ट, जिससे मांग रहे हो उसकी औकात तो देखो. यू आर डिमांडिंग फ्रॉम गॉड. सो गॉड से जब मांगा जाता है तो क्या मांगा जाता है? सोचो ना. ये नौकरी, ये छोकरी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉड से मांगा जाता है साम्राज्य, ये चाहिए. अशोक खेमका, ही डिमांडेड फ्रॉम द नेचर, आई वॉन्ट टू बिकम IAS. वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व द सोसाइटी. मैं इन पॉलिटिशियंस के नाक में दम कर दूंगा. आई वॉन्ट दिस. और तब मिलती है ताकत, तब मिलती है ताकत. यू आर गोइंग टू लीड एन एंटायर नेशन. अर्जित डोवाल के बारे में आप जानते हो? ही इज एन IPS ऑफिसर. क्या है वो? सिक्योरिटी एडवाइजर है. आज उसका नाम सुन के पाकिस्तान थर्राता. ही जस्ट एन IPS ऑफिसर. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. ये देती है ये UPSC, ये देती है UPSC. इफ यू वॉन्ट टू ड्रीम टू बिकम IAS, IPS, IFS, तो ये इतना झेलने की ताकत रखनी चाहिए. जो इंसान जरा सा प्रेशर नहीं झेल पा रहा है वो क्या करेगा? ये आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल. कि मेरा कहने का मतलब है कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे सो यू आर गोइंग टू फेस प्रेशर, इंटेंस प्रेशर, प्रेशर ऑफ नॉट ओनली कंप्लीटिंग द जॉब. आप देखोगे कि साथ में 4-4 साल, 5-5 साल तैयारी करते हुए लोग हैं, IITians हैं, IIM किया हुआ, MBBS डॉक्टर्स है, MBA सब कुछ है. और इस समय अगर ये सब कुछ है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इनसे कंपीट करना भी आना चाहिए आपको.
और कंपटीशन कहां से होगा? सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा भाई, आई एम अगेन टेलिंग यू, इट्स माइंडसेट। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू, इट्स योर माइंडसेट, इट्स योर मोटिवेशन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस एग्जाम। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे जो टेस्ट होने वाला है वो है पेशेंस का। इधर पेशेंस ही नहीं है, 10 to 15 minutes, ओ माई गॉड बहुत हुआ यार, क्या हो गया। यूट्यूब पे वीडियो नहीं चलती है, क्लासेस होती हैं ड्रीम के लिए। अगर किसी ड्रीम के लिए आप लड़ने जा रहे हो, इट मींस यू नीड टू हैव पेशेंस। सो पेशेंस रखना है। ये टेस्ट आप लोग देख लो, कर पाओगे तो कर पाना, नहीं कर पाओगे तो देख लेना। सो आई वॉन्ट यू, जो भी बैठे हैं, आई वॉन्ट यू टू हैव पेशेंस। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो बंदा जो 4 साल से तैयारी कर रहा है ना, 50 लाख का पैकेज छोड़ के वो 4 साल से पेशेंस रखे हुए है, उसे बनना चाहिए आईएएस। वो बंदा जिसके पास जरा भी पेशेंस नहीं, व्हाई ही विल बिकम आईएएस, राइट? सो लेट्स चेक इट नाउ। सो ये था हमारा जो ड्रीम। नाउ अबाउट मी, मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम अजय मिश्रा, राइट? मैं भी आप जैसा कभी 20 साल पहले सन 2000 में मैंने भी ऐसे ही एक ड्रीम बनाया, गांव का, जो कि खेतों में मैं भी जाता था भाई काम करने, मैं भी जुताई करता था, मैं भी बैठा रहता था, वहां पे मैंने ड्रीम देखा, आई वांटेड टू बिकम आईएएस बिकॉज माय फादर वाज ए गवर्नमेंट ऑफिसर एंड उन्होंने देखा था, उन्होंने कहा था यार मुझे आईएएस चाहिए, क्यों नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट निकला, तैयारी शुरू की, कुछ नहीं गाइडेंस, किधर भी कुछ नहीं पता, जाते जा रहे रड़ रहे, 210 जो स्टेट है ना उनके कैपिटल रेड डाली बैठे बैठे, खलिया बैठे, पता ही नहीं है क्या होने वाला है, नोबडी इज देयर टू गाइड अस। जब मैंने तैयारी शुरू की, उसी समय एक और लड़का तैयारी शुरू किया होगा जिसके घर में ऑलरेडी आईएएस है, जिसका भाई या तो आईएएस बन चुका है या आईएएस फेल हो चुका है, नो डाउट, बट वो जानता है गलती कहां कहां होती है, वो अपने भाई को गाइड कर रहा है, ही इज गाइडिंग हिज ब्रदर। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं लगा हुआ हूं। एक बार तो चला गया अपने रूममेट के कहने से एग्जाम देने, राइट? तो ये सब हूं मैं, जो मैंने 20 साल पहले कहानी शुरू की। एक मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आई टुक एक्सपीरियंस फ्रॉम अ सिंपल पर्सन टू हाईएस्ट सोफिस्टिकेटेड पर्सन। जब मैं चैलेंज करता हूं, यस इफ यू फॉलो मी यू विल बिकम आईएएस, मैं इतना क्लेम करता हूं। Why? Because मैं ये नहीं कह रहा, I try to understand you, you will be under me, अगर आपको मैं गलती ना करने दूं तो। इधर से मसूरी ही तो जाना है, मसूरी वाली रोड पे मैं आपको रखूं, बस सिर्फ मसूरी वाली रोड पे रखूं तो आप सेलेक्ट हो गए। सो अबाउट मी इज दैट आई एम लाइक योर ब्रदर, 20 सालों से मैं यही कर रहा हूं, खुद तैयारी करी, खुद भी कई बार फेल हुआ, पास हुआ, इंटरव्यू दी 2 बार, मेंस लिखा, पीसीएस लगभग सब निकले मेरे, मैं नहीं गया पीसीएस देने। वाई? बिकॉज मजा ही नहीं आया पीसीएस में यार, मतलब जितने पीसीएस दिए सब निकल गए यार, आप समझ रहे हो? बट नो, इट इज नॉट बिकॉज ड्रीम बड़ा था। सोचो ना यार, वो बंदा जो पीसीएस को कुछ नहीं समझता हो यार, काय को एसएससी वालों की इज्जत करेगा इतनी ज्यादा। आई वॉन्ट यू टू थिंक ओनली वन, दैट इज आईएएस। तो मैंने कोशिश की 12 सालों से, मैं गाइड कर रहा हूं, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए, बहुत सारे लोग फेल हुए, वो सारा एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट हुआ और हर साल मैं एडवांस होता जा रहा हूं। तुम लोग तो भी शुरू किए होगे ना, हर साल एडवांस होता जा रहा हूं, तो तुम जो सोचते भी हो मुझे पता चल जाता है। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ 15 दिन 20 दिन पर्सनली ना बिताऊं, तब तक मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। सो इन माई इंस्टीट्यूट इफ यू आर कमिंग, यू विल बी लाइक माई ब्रदर, राइट? एंड 20 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसके साथ साथ I meet those people who check your copies, mains की कॉपी चेक करते, मैं उनसे मिलता हूं जो तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं यूपीएससी के मेंबर्स से, उनके साथ मैं शेयर करता हूं, इंस्टीट्यूट में बुलाता हूं, उनके साथ बात करता हूं, उन लोगों से मिलता हूं जो यूपीएससी में काम कर चुके हैं, प्रोफेसर्स को हायर करते हैं, मैं सोच उनसे पूछता हूं यार प्रोफेसर्स की मेंटेलिटी क्या होती है, सेमिनार्स लेता हूं सेलेक्टेड लोगों से, उनके एक्सपीरियंस भी जानता हूं और अपना जो है वो तो है ही है। सो ऑल दीज थिंग्स, all these things we learn, सिर्फ एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि dominant desire, एक बच्चे ने भी लिखा dominant desire, what is dominant desire, yes why, okay, बहुत सही बात बोला, उसको कहते हैं why,
डोमिनेंट डिजायर का मतलब होता है जब तक आप वाई नहीं जानते, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम आईएएस, वो ड्रीम होना चाहिए, राइट। सो अबाउट मी, मैंने बताया 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, राइट। बहुत सारे लोगों को गाइड करता हूं, पर्सनली ट्रेन करता हूं, और कुछ मैं प्रमाण भी देना चाहता हूं, तो बस थोड़ा थोड़ा ताकि आप जानते रहे। ये हैं आपके पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, जो आपके यूपीएससी के मेंबर, इनके साथ मैंने कई बार प्लेटफॉर्म साझा किया है अपना। इसके अलावा ये वही हैं भाई साहब, इनके हमारे साथ जुड़ते हैं। ये हमारे मैडम है श्वेता मैडम, इनके साथ ये यूपीएससी कॉपी चेक करती हैं, इनके साथ बहुत अच्छा टाइम बीता और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा। इसके अलावा मैं बहुत सारे कोचिंग्स में भी पढ़ाता हूँ हैदराबाद, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ और वहाँ पे एक्सपीरियंस लेता हूँ बच्चों के साथ भी। इसके अलावा सेमिनार्स भी होते हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ कॉलेज वगैरह में, फाइन। इसके बाद हमारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके साथ तो हमारा खैर एक्सपीरियंस है, ये उनके साथ तो जीना मरना चलता रहता है। तो ये सिर्फ भौकाल था, ठीक है, इसलिए क्योंकि अच्छा बताना चाहता है ना इंसान की थोड़ा बहुत भौकाल मार दो यार, नहीं तो पता चले आप लोग बोलोगे कि झूठी बोलता है, बकवास करता रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वन थिंग, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई विल शो यू इन एक्शन एवरीथिंग, व्हाट एवर आई विल डू आई विल शो यू इन एक्शन, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के डिस्कशन पॉइंट पे, थोड़ा सा याद रखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, पेशेंस रखना है। क्या क्या हम डिस्कशन करेंगे आज? नंबर वन, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑप्शनल पेपर इन सिविल सर्विसेज एग्जाम, भाई ऑप्शनल पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। दूसरी चीज, हाउ टू डिसाइड योर ऑप्शनल पेपर, कैसे डिसाइड करना है ऑप्शनल पेपर को। तीसरी चीज है, हु कैन चूज ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड वाई, ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ पीएसआईआर विद अदर ऑप्शनल्स, फाइन। एंड देन हाउ वी कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑप्शनल पेपर इन सिविल सर्विसेज एग्जाम। देखिए, अगर ये चीज पूछी जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, तो मुझे लगता है जितना हो हल्ला मचा हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ योर ऑप्शनल पेपर। देयर इज ह्यू एंड क्राई इन द मार्केट, एवरीबडी इज ट्राइंग टू चूज द ऑप्शनल एंड दे आर नॉट एबल टू डिसाइड, देयर इज नो डेफिनेट प्रोसेस, कोई डेफिनेट प्रोसेस ही नहीं है चुनने का। बट टूडे we are going to discuss on those things that yes, there is a definite process of choosing an optional. aap us process ko samajh jayenge to aapko koi pareshani nahi aayegi. so significance of optional ye hai ki 500 marks ka to aapke exam mein hi pucha jata hai, aapko pata hai na ye baat. so 500 marks ka to aapke इसमें ही पूछा जाता है मार्क्स का। इसके अलावा जो ऑप्शनल है वो हेल्प करता है आपके जीएस पेपर, आपके एसे राइटिंग में, राइट, और हेल्प करता है आपके इंटरव्यू में, और हेल्प करता है आपके प्रीलिमिनरी में। सो अगर हम बात करें ऑप्शनल की, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाउंडेशन लाइक दिस, जिसके ऊपर आपका पूरी प्रिपरेशन जो होती है वो होती है। लेट्स कंसीडर दिस इज अदर एंड दिस इज ऑप्शनल। सोच के देखो कि अगर आपका ऑप्शनल जो बेस है, आपका पूरी तैयारी का बेस जो ये है, ये वीक हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बी डेंजरस फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज यू हैव टू बिकम स्पेशलिस्ट। और बाकी जगह आप क्या हो, यू आर जस्ट अ जर्नलिस्ट। एक जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या होता है, कोई पूछेगा ये बताओ भाई हेलीकॉप्टर कैसे चलता है, जर्नलिस्ट क्या कहेगा, अरे पत्ती चलती है हेलीकॉप्टर की और हवा को दबाव से उठ जाता है वो थोड़ा सा। बट व्हेन देयर विल बी अ स्पेशलिस्ट, कोई स्पेशलिस्ट होगा तो वो बताएगा कि व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर इज वर्किंग, कौन सा नियम, कौन सा रूल है, राइट, कौन से नियम से लागू होता है, राइट, उन थिंकर्स का भी नाम लेगा। तो स्पेशलिस्ट बनना क्या है,
मुश्किल का काम है, बिकॉज आपको उस पर रिसर्च करना होता है. जबकि जो जीएस है और जो एसे राइटिंग है, इसमें आप स्पेशलिस्ट हैं तो जर्नलिस्ट होते हो. अगर आपको आइडिया भी रहा, थोड़ा थोड़ा फैक्ट रहा, थोड़ा सा भी स्पेशलाइजेशन रहा, तो आपका काम हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द फाउंडेशन जिसके ऊपर आपकी बिल्डिंग खड़ी होती है. अब ऑप्शनल की बात आते हैं. अगर आपका ऑप्शन गड़बड़ हो गया तो, अगर आपका ऑप्शनल, सोचो जरा कि ये जो फाउंडेशन है ये अलग बना दे और बिल्डिंग अलग क्रिएट करे, तो बिल्डिंग बन तो जाएगी, क्या उतनी मजबूत होगी? क्या नहीं होगी. सो वी हैव टू कंसीडर लाइक दिस. ऑप्शनल जो फाउंडेशन है इसको बहुत स्ट्रांग रखना है, ताकि जो हमारी बिल्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग हो. जितना मंजिल चाहे उतना मंजिल बनाओ. एक मंजिल आपका जीएस का हो जाएगा, दूसरा मंजिल आपका एसए का हो जाएगा, तीसरा मंजिल आपका प्रिलिमिनरी का हो जाएगा, चौथा मंजिल आपका इंटरव्यू का हो जाएगा. इफ सच एन ऑप्शनल इज देयर व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल दीज थिंग्स, तो ये फाउंडेशन पूरी तैयारी में हेल्प करेगा. तो सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑप्शनल कि 500 मार्क्स करता है, बाकी जगह पे जो जीएस वगैरह में आपको स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है. और सबसे बड़ी बात जो है ऑप्शनल की वो क्या है, इसमें आप प्रेडिक्शन कर सकते हो. जीएस इज अनप्रेडिक्टेबल, नोबडी नोज कितना क्वेश्चन कहां से पूछा जाने वाला है, नोबडी नोज. बट ऑप्शनल में आप डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज इसमें आप डीप जाते हो और इसमें एक पैटर्न दिखाई देता है. जीएस का पैटर्न पकड़ना बहुत मुश्किल का काम है, बट ऑप्शनल का पैटर्न भाई बदला ही नहीं है. जो क्वेश्चन आज के 20 साल पूछे जा रहे थे वही रिपीट होके पूछे जाते हैं, जो 30 साल पूछे जा रहे थे वही रिपीट होके पूछे जाते हैं. हां, कुछ जगह पे एज लेने के लिए अपने को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है तो और मजा आता है. तो यह था हमारा ऑप्शनल का कि सिग्निफिकेंस क्या है. नाउ हाउ टू चूज ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल को चूज करने का क्या सिस्टम है. पहला, इफ यू फील इंटरेस्टेड और इट विल सर्व योर इंटरेस्ट द मैक्सिमम, फाइन. दो पॉइंट यहां पे मैंने बताई. द फर्स्ट पॉइंट इज इफ यू फील इंटरेस्टेड. आपने देखा होगा बहुत सारे आज इंसान होते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपको रहना अच्छा लगता है, किसी साथ को रहना अच्छा नहीं लगता. आपके दोस्त भी ऐसे होंगे, है कि नहीं है. अब जरा सोचो कि रमेश का एक दोस्त है चंगू, उसके साथ उसको रहना बहुत अच्छा लगता है, और मंगू दूसरा है जो बहुत इरिटेटिंग है, तो किसके ज्यादा रहेगा टाइम बिताना चाहेगा? चंगू के साथ टाइम बिताना चाहेगा, फाइन. सो पहली चीज है क्या, इफ यू फील इंटरेस्टेड, मतलब आपको अगर मजा आ रहा है किसी के साथ तो चंगू के साथ रहना पसंद करोगे, फाइन. लेकिन एक पॉइंट और भी है, इट विल सर्व योर इंटरेस्ट द मैक्सिमम. अब जरा सोचो कि मंगू आईएएस बन जाता है, मंगू आईएएस बन जाता है, चंगू लखैरा ही है, पसंद तो करते हो चंगू को, लखैरा है लेकिन. सो क्या करना चाहिए? अब अपने को लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट, आगे जाना है, तो किसके साथ रहना चाहिए अपने को? मंगू के साथ. व्हाई? बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम आईएएस, हु इज गोइंग टू हेल्प यू? मंगू. सो मंगू इज ऑलरेडी एन आईएएस, ही कैन हेल्प यू. तो दोस्ती किसके साथ होनी चाहिए? मंगू के साथ. ज्यादा टाइम किसके साथ बिताना चाहिए? मंगू के साथ. चंगू इज रिजेक्टेड. सो चंगू अगर आपका इंटरेस्ट भी हो और वो आपकी हेल्प भी करे, अगर चंगू आईएएस भी बन जाता तो तब तो चंगू के साथ सुभान अल्लाह हो जाता. सो वी हैव टू चूज ऑप्शन इन दिस वे. नंबर वन, इंटरेस्ट. पहली चीज अपने को क्या देखनी है? इंटरेस्ट. एंड सेकेंड थिंग, अगर अपने को इंटरेस्ट कम आए मान लो, तो अपने को देखना चाहिए कि वेदर दिस इज फुलफिलिंग आवर इंटरेस्ट. ये अपने को मैक्सिमम जगह हेल्प कर सकता है, मैक्सिमम हेल्प. व्हाई? बिकॉज इट विल सर्व योर आईएएस ड्रीम. आईएएस बनने में ये अगर ज्यादा हेल्प कर रहा है तो इंटरेस्ट कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए, राइट. मतलब यूपीएससी इज योर इंटरेस्ट और नॉट बिकमिंग आईएएस योर इंटरेस्ट. तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो कहां पे है? आईएएस बनने में है. उसके लिए ये करना पड़े या ये करना पड़े, उसके पहले का इंटरेस्ट, अगर दोनों मर्ज हो जाए, मान लो अपने को एक सब्जेक्ट मिलता है ऑप्शनल का जो कि इंटरेस्टिंग भी है और अपने को आईएएस बनने में आसानी भी करता है, तो अपने को ये चुनना है कि मान लेते हैं अपने को इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा, इस सब्जेक्ट में, तो क्या करेंगे? हम देखेंगे मैक्सिमम हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है.
तो मैक्सिमम हेल्प करेगा आईएएस बनने में. मतलब आईएएस क्या है, जैसे आपकी कोई प्रियतमा है, राइट, प्रेतात्मा नहीं, प्रियतमा, और वो प्रियतमा कहती है आपकी डियरेस्ट वन कि भाई अपने को तो आईएएस चाहिए, तो आप क्या करोगे भाई, वही गाना गाओगे, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे. तो ये जो सिस्टम है मैक्सिमम बेनिफिट वाला, वो आपको क्या करेगा, आईएएस दे देगा. तो अपन दो अप्रोच लेके आए ऑप्शनल चुनने का. पहला, इंटरेस्ट हो जाए, इंटरेस्ट हो जाए उसमें तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो ये सबसे ज्यादा हेल्प करना चाहिए आपको एग्जाम में. तो ये हमारा अप्रोच होगा. सो पहली चीज हम क्या देखेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है. दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ए सपोर्ट टू मेंस जीएस पेपर. हम देखेंगे कि यार अगर एक ही काम कर रहे से, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ऑप्शनल पेपर और मेरा जीएस का पेपर तैयार हो जाए आधे से ज्यादा, तो मजा आ जाएगा. सो हमें ऐसा ऑप्शनल चुनना चाहिए जिसमें एक इंटरेस्ट हो, या फिर हमारा इंटरेस्ट सर्व करे और जीएस के मेंस के पेपर में, प्रिलिमिनरी मेंस इंटरव्यू में एक्सपेक्ट करता हूं, आप लोग जानते होंगे कि तीन स्टेज होते हैं, प्रिलिमिनरी मेंस एंड इंटरव्यू. सो नाउ इन मेंस जीएस पेपर अगर ये कवर कर ले तो चार पेपर जीएस का होता है ना भाई, तो अगर जीएस के चार पेपर होते हैं और उसमें हेल्प कर दिया इसने तो और मजा आ जाएगा. फाइन. तीसरी चीज क्या है भाई, इस सपोर्ट इन प्रीलिमिनरी. क्या प्रीलिमिनरी बेकार है क्या, आज मैं आपको बताता हूं प्रीलिमिनरी निकालना ही मुश्किल हो गया है. 10 लाख पीपल हर साल, 10 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम, कितने पास होते, 10,000, 9,90,000 आउट. सो प्रीलिमिनरी इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, लेट्स कंसीडर कि अगर ऑप्शनल की तैयारी हम कर रहे हो, ऑप्शनल की तैयारी हम कर रहे हो और प्रीलिमिनरी में भी हेल्प हो जाए तो, नहीं तो पता चला एक ऐसा ऑप्शनल ले लिया जिसका प्रीलिमिनरी और जीएस से कोई मतलब नहीं, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर ले लिया मैंने, अब इंग्लिश लिटरेचर ले लिया, अब इसका ना कहीं प्रीलिमिनरी में कोई मतलब, ना कहीं मेंस में कहीं कोई मतलब, ना कहीं इंटरव्यू में, राइट. अब आप मेरे को एक बात बताओ, पहले पूरी तैयारी करेंगे, मेंस तैयार हो गया हमारा, ये खासकर ऑप्शनल, अब प्रीलिमिनरी तैयारी फिर से करो, जीएस अलग से पूरा पढ़ो, डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे, अगर प्रीलिमिनरी में भी सपोर्ट हो जाए तो कैसा रहेगा. तो एक रेशनल इंसान जो आईएएस तैयारी कर रहा है उसे ये सब सोचना चाहिए, दोस्तों के कहने से नहीं ले लेना चाहिए सिर्फ ऑप्शनल भाई, अभी आते हैं क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. सो ये सपोर्ट इन प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेटेरियल इजिली अवेलेबल. फोर्थ, याद रखो तुमने मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले लिया, कंसिडर जरा, मैथमेटिक्स ऑप्शनल ले लिया, उसका कहीं मटेरियल ही ना मिल रहा, फिर मार्केट में मटेरियल ही ना आ रहा, किताबें पढ़ रहे हो ठीक है तो भी दिक्कत है, ऐसा ऑप्शनल लो जिसका मटेरियल भी आसानी से मार्केट में अवेलेबल है. व्हाई, बिकॉज यू हैव टू कंपीट विद दोस पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड एज आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर. आपको ऐसे लोगों से भी लड़ना होता है जो आईपीएस आईआरएस बन चुके हैं, आपका मटेरियल ही नहीं मिल रहा, उनसे क्या लड़ोगे, चार साल से तैयारी कर रहा उससे लड़ना, इंटरव्यू देने वाले से लड़ना है, आपका मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, तो ये भी चेक करना है. पॉइंट टू बी नोटेड, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अगला क्या है, इज डायनामिक इन नेचर. मैं एक रेकमेंड करता हूं ऐसा ऑप्शनल चुने जो डायनामिक हो, थोड़ा सा डायनामिक मींस थोड़ा करंट अफेयर से टच में हो. व्हाई, बिकॉज जो ये चार साल पांच साल से तैयारी कर रहे हैं ना, इनका ऑप्शनल तो खूब मजबूत हो गया होगा. अगर इनको बीट करना है तो क्या तरीका है, करंट तो आपको पढ़ना ही है, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है. अगर आप अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज कर लो कि यस एवरी टाइम यू आर गोइंग टू अपडेट योर पेपर, हिस्ट्री ले लिया ऑप्शनल, अपडेट होता नहीं है उसमें, आप समझ रहे हो, तो अपडेट ही नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, जो बंदा चार साल से तैयारी करो तो बेटर हो जाएगा, लेकिन अगर हर साल अपडेट करना पड़े, इसलिए जीएस में जो लोग सेलेक्ट हो जाते उनका भी मार्क्स नहीं उठ पाता, जबकि फ्रेशर का उठ जाता, क्योंकि हर साल अपडेट करना है आपको. तो ऑप्शनल भी अगर ऐसा हो जाए ना, सो वी कैन बीट दोज पीपल हु हैव बीन सेलेक्टेड एज एन आईपीएस ऑफिसर. एक आईपीएस ऑफिसर, एक आईआरएस ऑफिसर भी फेल हो जाता है प्रीलिमिनरी में. व्हाई, क्योंकि प्रीलिमिनरी में जीएस क्या है, करंट से अपडेट पूरा होता है. तो अपने को क्या करना है, डायनामिक लेना है, ताकि अपन क्या करें, न्यूज़पेपर से अपडेट होते जाएं और
आगे बढ़ जाएंगे उनसे, वो कभी बीट नहीं कर पाएंगे आपको. इवन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इफ यू हैव सच एन ऑप्शन व्हिच इज डायनामिक इन नेचर, जिसमें लगातार अपडेशन की जरूरत होती है, उसमें आप आसानी से अपडेट करके जीत सकते हैं उनसे जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं. कि आप पॉइंट दिमाग में रखिए, अगर आप स्टेटिक पे हैं तो सिंपल सी बात है, स्टेटिक में तो 15 किताब पढ़ चुका होगा तुम, 3 किताब, वो 50 क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर चुका तुम, 10 किए होगे, सेम टॉपिक रिपीट हो रहे हैं. लेकिन डायनामिक होगा तो क्या होगा, डायनामिक में क्वेश्चन भले रिपीट हो जाए, आपका आंसर अपडेटेड हो जाएगा, तो आप उसको बीट कर पाएंगे आसानी से. फुलफिल्स द यूपीएससी रिक्वायरमेंट, यूपीएससी की भी रिक्वायरमेंट है कुछ, यूपीएससी भी रिक्वायरमेंट है. यूपीएससी क्या करेगी इंग्लिश लिटरेचर वाले को, तो वो क्या करती है, आप इंटरव्यू में जाओगे ना यूपीएससी का, आप बीपीएससी का इंटरव्यू दो, आप यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दो, आपसे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी ध्यान दिया, अब यूपीएससी में जाएंगे ना पूछेगा ही नहीं, वो ये पूछता है ये बताओ व्हाट इज द रिलेवेंस. आप क्वेश्चन मान लो लिटरेचर ले लेते हो, क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लिश लिटरेचर का आप यूपीएससी में कैसे यूज करोगे, जरा बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहेगा, फंस जाओगे यार, को समझ में नहीं आएगा कि इंग्लिश लिटरेचर का मैं कैसे लोगों को सर्व करने में हेल्प करूंगा. फाइन, सो यूपीएससी का रिक्वायरमेंट क्या है, जो सर्व कर सके सोसाइटी को, ऐसा ऑप्शनल लो जो यूपीएससी ज्यादा वैल्यू देती हो, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करने के लिए इंटरव्यू बोर्ड भी चाहता है आए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सो फुलफिल द यूपीएससी रिक्वायरमेंट. एंड द लास्ट वन, इफ efficient guidance is easily available, the most important factor is that guidance. आप जरा सोचो, एक बंदा आया बोला सर पिछली बार ना बंदा मैथमेटिक्स से टॉप किया, मैंने कहा तुमने क्या कर रखा है, बोला बीएससी कर रखा है, उसने क्या कर रखा था, वो तो आईआईटीएन था, तो मैथमेटिक्स लेने जा रहा तुम्हें गाइड कौन करेगा, सर अभी तक तो कोई नहीं गाइड करने वाला मिला है, कोचिंग कर लूंगा. कोचिंग इज नॉट गाइडेंस, पॉइंट टू बी नोटेड. कोचिंग में अगर गाइडेंस मिल रही है अंदर जाकर, कोई बंदा आपको पर्सनली देखे, जब तक कोई आपकी पर्सनालिटी नहीं जानता, जब तक आपका कोई बैकग्राउंड नहीं जानता, जब तक आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं जानता, जब तक आपका लेवल ऑफ आंसर राइटिंग कोई नहीं जानता, हाउ कैन ए टीचर गाइड यू. इधर ज्ञान में दूं आपको बिना जाने, कुछ नहीं होगा भाई, लिमिटेड गाइडेंस. मैं तो सबको बोल रहा हूं ना, लेकिन यू हैव स्पेसिफिक प्रॉब्लम, यू हैव स्पेसिफिक प्रॉब्लम. अगर उस प्रॉब्लम को मैं समझ जाऊं तो आपके जो स्ट्रेटजी होगी वो आपके हिसाब से होगी कि नहीं होगी. सो आपकी स्ट्रेटजी आपके हिसाब से होनी चाहिए, और इसलिए गाइडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आपने देखा होगा कि एक घर में एक आईएएस बनता है, उसका छोटा भाई भी आईएएस, उसकी छोटी बहन भी आईएएस. हाउ कम, हाउ कम, कैसे, क्या होता होगा, सर इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है. अरे नहीं रे, वन पर्सन हैज गॉन टू मसूरी, मसूरी दिल्ली से मसूरी वो जा चुका है एक बंदा, उसको रास्ता पता हो गया कि नहीं पता होगा. अब उसका छोटा भाई भी जाना चाह रहा है तो उसको मसूरी आसान होगा कि नहीं होगा, उसकी छोटी बहन भी जानना चाहती हो तो आसान होगा. लेकिन एक आदमी जो जा गया ही नहीं है और गाइडेंस भी नहीं है उसके पास, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोचिंग. ये जो लोग कहते हैं ना बिना कोचिंग के सेलेक्ट हो गए, वो कभी ये नहीं कहते कि बिना गाइडेंस के सेलेक्ट हो गए. पॉइंट टू बी नोटेड, कोचिंग एंड गाइडेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट. गाइडेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, इसलिए आपको गाइडेंस जरूर चाहिए, नहीं तो आप गलतियां करोगे. एंड इफ यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स, क्या होगा अगला साल, फिर एक मिस्टेक हुई अगला साल, फिर एक मिस्टेक हुई अगला साल. सो यू नीड टू हैव गाइडेंस. टीचिंग एंड गाइडेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स. टीचिंग सिर्फ हेल्प करेगा, आपको पढ़ाएगा, गाइडेंस क्या करेगा, आपकी स्पेसिफिक मिस्टेक को दूर करेगा. आप आंसर लिख के भेजते हो, उसको पर्सनली आपकी वीकनेस जानता है, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हैंडल करना चाहिए उसको, प्रिलिमिनरी में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है हैंडल करना चाहिए उसको. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट. सो पहला पॉइंट क्या हुआ, आपको इंटरेस्टेड फील करना चाहिए. अगर नहीं आ रहा इंटरेस्ट तो आप क्या चेक करोगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटरेस्ट, मैक्सिमम लाभ इससे होगा कि नहीं होगा, राइट. सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू सी, इट सपोर्ट टू मेंस जीएस पेपर, थर्ड इट सपोर्ट टू प्रीलिमिनरी, देन मटेरियल इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, इज डायनामिक इन नेचर, फुलफिल्स द यूपीएससी रिक्वायरमेंट, इफ एफिशिएंट गाइडेंस इज इजीली अवेलेबल.
मैंने बोला है ये सभी ऑप्शनल के लिए आपको रखना है, बाकी ऐसा नहीं है कि पीपल सेलेक्ट नहीं होते, होते हैं, दे पुट मोर एफर्ट। अगर आप तैयार हैं ज्यादा एफर्ट करने के लिए, कोई भी ऑप्शनल लो, उठाओ उठाओ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो ना, क्यों नहीं होगा, बट देन यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। लेकिन अगर कम एफर्ट में, इसको कहते हैं स्मार्ट, सुना होगा ना यूपीएससी में क्या कहते हैं, स्मार्ट स्टडी। क्या होता है स्मार्ट स्टडी, ये होता है स्मार्ट। बाकी बहल तो कुछ भी कर लो यार, धमका मुक्की दीवार गिरा जा सकता है, लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से दीवार गिरा दी जाए तो। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी स्मार्ट राइट नाउ। रॉन्ग अप्रोच टू चूज ऑप्शनल, भैया क्या नहीं अप्रोच अपनाना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए, सुन लो। नंबर वन, इट इज वेरी स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। जब कोई आदमी आके बताए आपको कि सुन बे मैथ्स ले ले बहुत स्कोरिंग है, रॉन्ग रॉन्ग। कोई भी ऑप्शनल स्कोरिंग या कम स्कोरिंग नहीं होता, पॉइंट टू मिनट आई एम टेलिंग यू, नो सब्जेक्ट इज स्कोरिंग। अगर आपको गाइडेंस सही मिल रहा है, अगर आप सही से पढ़ते हो, सही से नोट्स बनाते हो, सही से आंसर राइटिंग करते हो, सो एवरी ऑप्शनल विल बी स्कोरिंग। ये गलत अप्रोच है। इवन पॉलिटिकल साइंस के बारे में तुम्हें क्या लगता है, 200 नंबर भी लोगों के आते हैं, किसी का सुना है, और 350 भी आएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। तो स्कोरिंग वाला क्राइटेरिया अगर कोई बताता है तो दिस इज रॉन्ग, नेवर एक्सेप्ट, नहीं तो करके देख लेना। सबका स्कोर आएगा 300, तुम्हारा पहुंच जाएगा 150। स्कोरिंग वाला क्राइटेरिया नहीं देखोगे आप, एकदम सिंपल। ये सुनना ही नहीं है मार्केट में, अगर कोई बोल रहा है तो स्कोरिंग, बोला स्कोरिंग हम देख लेंगे, ठीक है, हेल्प कैसे करेगा मेंस में ये बता, प्रीलिमिनरी में कैसे हेल्प करेगा ये बता, इंटरव्यू में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा ये बता, और बाकायदे मैच करना है जीएस के सिलेबस को रख के, तब जाकर के हम समझेंगे उसको। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट जो आपको नहीं करना चाहिए, दिस सब्जेक्ट वॉज टेकन बाय दिस ईयर टॉपर। ओ माई गॉड भाई साहब, टॉपर, जैसे टॉपर हुआ मैथमेटिक्स, सारे मैथमेटिक्स लेना शुरू कर देते हैं, जैसे टॉपर हुआ एंथ्रोपोलॉजी का लोग एंथ्रोपोलॉजी लेना शुरू कर देते हैं। टॉपर होना एक क्राइटेरिया है बाबूजी, टॉपर आदमी सिर्फ ऑप्शनल के भरोसे थोड़े बन जाता है, जीएस एसए एंड ऑप्शनल। दूसरी बात, वो ऑप्शनल में कैसा गाइडेंस उसको मिला, हु वॉज गाइडिंग हिम, वॉट मटेरियल ही गॉट राइट, और उनके घर में भी तो देख लो यार कोई है कि नहीं है। सो कोई टॉपर लिया था तो टॉपर तो हर साल बदलते रहते हैं, इस बार एंथ्रोपोलॉजी वाला, अगली बार ज्योग्राफी वाला हो जाएगा, अगली बार तो तुम ऑप्शन का बदलते रहोगे। आज ले लिया तुमने मैथमेटिक्स ऑप्शन, अगली बार पॉलिटिकल साइंस वाला टॉप कर गया, ठीक है, अगली बार एंथ्रोपोलॉजी वाला टॉप कर गया, अगली बार सोशियोलॉजी वाला टॉप कर गया, अब क्या करोगे, हर साल बदल दो, ओ माय गॉड इस बार सोशियोलॉजी, ओ माय गॉड इस बार एंथ्रोपोलॉजी, ओ माय गॉड नो। सो नॉट एट ऑल, यू डोंट हैव टू डू। कितनी जिंदगी बर्बाद कर दी कनिष्क कटारिया ने, वाई, बिकॉज उसने नहीं कहा सबसे ऑप्शनल ले लो मैथमेटिक्स, ले लिया पब्लिक ने, अब क्या करे कोई। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस साल का टॉपर ले रहा है, बन गया इसलिए हम ले ले। अरे अपनी पर्सनालिटी समझो, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वो टॉपर्स का बैकग्राउंड, टॉपर्स का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है कि नहीं, डिफरेंट है कि नहीं है, और अगर डिफरेंट है तो दोनों का ऑप्शन कैसे सेम सेम हो गया भाई, सिर्फ सुन लेने से राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, बिकॉज माय फ्रेंड हैज टेकन दिस ऑप्शन, ओ माय गॉड दिस इज द मोस्ट डेंजरस, दिस इज द मोस्ट डेंजरस। मेरा नाम दोस्त था हितेश, हितेश चितकारा, उसके पापा वैसे तो पीसीएस थे, अब मैं खुद ही एक है ना, 2000 जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो खुद ना पता, तो भैया अपन आए तैयारी करने के लिए, अपने को खुद ना पता कि कैसे ऑप्शनल चुनूं। तो पहले साल हमने डिसाइड किया कि हम लेंगे साइकोलॉजी, हितेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसने बोला तुम क्या ऑप्शन ले रहे हो, कहा जी साइकोलॉजी यार ले रहा हूं, बिना मुझसे बताया गया साइकोलॉजी ऑप्शन ले लिया। एक महीने बाद मेरा दिमाग में आया, अरे यार साइकोलॉजी इज नॉट ए गुड ऑप्शनल, हिंदी लेते यार, हिंदी लिटरेचर बहुत बढ़िया ऑप्शनल है राइट, अपन हिंदी ऑप्शनल, मन मन मंदिर में, जैसे होता नहीं मन मंदिर में किसी को मान लो, अपना पति अपनी पत्नी है ना, मन मंदिर में फिर मान लिया कि हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं। अब फिर आए एक महीने बाद, बोला भाई
मैंने साइकोलॉजी के नोट्स खरीद लिए, है ना। नहीं यार साइकोलॉजी को खरीद, यार तुम्हारा साइकोलॉजी ऑप्शनल है ना। नहीं यार मेरा तो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है। यो यार मैंने साइकोलॉजी किताब खरीद ली यार तुम्हारे चक्कर में। अरे भाई मेरे चक्कर में क्यों खरीद लिया, कि तुम्हारा था मेरा भी है। मेरे भाई ऐसा सुन, अभी मेरा हिंदी लिटरेचर है ठीक है। कुछ दिन बाद एक डेढ़ महीना दो महीना बीता, मेरे को फिर ना समझ में आए। फिर लास्ट में मैंने डिसाइड किया आई विल टेक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। फिर वो पहुंचा भाई हितेश, यार मैंने ना कोचिंग ज्वाइन कर ली हिंदी लिटरेचर की। मैंने वाह वेरी नाइस, हिंदी लिटरेचर ज्वाइन कर ली तुमने। बोला हाँ। बोला बहुत अच्छा, जाओ कोचिंग। बोला तू कब ज्वाइन करेगा। बोले मैंने तो यार पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन ले लिया। बोला अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाउ कैन यू चेंज दिस। अरे यार अपन डिसाइड कर रहे तुम यार, डिसाइड कर लेते हो यार। तो दोस्त ने क्या किया, दोस्त के चक्कर में बेचारा कितना परेशान हुआ। यू डोंट हैव योर माइंड सेट, यू हैव टू चूज योर ऑप्शनल। दोस्तों की वजह से नहीं, नहीं तो हितेश चित्कार बन जाओगे तुम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो बिकॉज माय फ्रेंड हैज टेकन दिस ऑप्शनल, दिस इज द नॉनसेंस स्टाइल। यू डोंट हैव टू चूज लाइक दिस। आपको चूज करना है क्या, जो हमने क्राइटेरिया भी डिस्कशन किया है उस, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, सिलेबस इज स्मॉल। ये भाई साहब बड़ा कांड कराता है, सिलेबस इज वेरी स्मॉल। वाह भाई वाह। अब सिलेबस स्मॉल होगा, मैंने कहा ना कि तुम्हें स्मॉल कोई चीज दिखे, जैसे होता नहीं पिस्टल दिखे और राइफल दिखे, पिस्टल समझ गए ना, अपने को सामने वाले को मारना है, सामने वाले को मारना है। पिस्टल से अगर मर जाए है ना, तो राइफल की जरूरत क्या, राइफल की जरूरत हो तो पिस्टल की जरूरत क्या। तो अपने को सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखना चाहिए। एक इंसान ने क्या कहा, पबैट का ऑप्शन ऐसे देखता है वो, ऐसे देखा पबैट का ऑप्शनल छोटा दिख रहा है, ले लिया पबैट। मैथिली का ऑप्शनल छोटा दिख रहा है, ले लिया मैथिली। हिंदी का ऑप्शनल छोटा दिख रहा है, संस्कृत का ऑप्शनल छोटा दिख रहा है। अरे पगले, जो दिखता है ना वो होता नहीं है, अंदर जाएगा तब समझ में आएगा। सो ये फाउंडेशन जो मैंने सारी क्राइटेरिया बताई, सिलेबस इज स्मॉल इज नॉनसेंस, आपके जीएस से कोई मतलब नहीं है, आपके ऑप्शन आपके एसे राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, आपके प्रिलिमिनरी से कोई मतलब नहीं है, आपके इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं है। एंड यू आर टेकिंग सच एन ऑप्शनल व्हिच यू आर फीलिंग दैट सिलेबस इज स्मॉल। और पता चलता है देखो ऐसे में अगर सिलेबस, कितने सिलेबस स्मॉल सिलेबस वाले जरा स्टॉप करें, जरा बताना पिछले चार पांच सालों का इतिहास जरा बता देना। सिलेबस स्मॉल वाले मैथिली वाले कितने टॉप कर गए, नंबर वन रैंक ले आए, बताना जरा। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सिलेबस इज स्मॉल यू आर गोइंग टू बिकम आईएएस। इट इज नॉट बिकॉज योर फ्रेंड हैज चोजन द ऑप्शनल यू विल चूज द ऑप्शनल। इट इज नॉट बिकॉज दिस ईयर टॉपर हैज चोजन द ऑप्शनल यू विल चूज द ऑप्शनल। इट इज नॉट बिकॉज दिस इज ऑप्शन इज स्कोरिंग यू विल चूज। दिस इज नॉनसेंस अप्रोच, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये सब नॉनसेंस अप्रोच है, आपको ये सब अप्रोच से नहीं जाना है, समझ गए आप। तो देखो जी अब अपनी मार्केटिंग करने जा रहे हैं, वाई पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल। देखो मेरा खुद का दो ऑप्शनल था, पोलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। फर्स्ट आई चोज पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल, और सच बताऊं तो मैंने भी जो सोच के लिया था ना, वो उस समय विजय लक्ष्मी विदारी 2001 की टॉपर थी, अपन देखे उसका ले लिए, अपन तो खुद भी सिस्टम है नहीं, लेकिन बाई चांस था कि आई चोज द राइट ऑप्शनल बाई चांस। और आपको मैं सच बताऊं कि पहले मुझे इसकी वैल्यू समझ में नहीं आई, मुझे बोरिंग लगता था, अब ले तो लिया था यार समझ में आता नहीं था। धीरे धीरे चीजें में समझ में आई कि यार ये तो जबरदस्त चीज है यार। मैंने को दो ऑप्शनल पढ़ाना था, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, दोनों पढ़ा सकता था मैं, मेरे को इंटरेस्ट भी ज्योग्राफी में ज्यादा था। बट वाई आई चोज टू टीच दिस ऑप्शनल, बिकॉज मैंने बोला ना इट इज गोइंग टू सर्व योर इंटरेस्ट। ये आपके लिए इतना जबरदस्त होगा ना कि अगर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पे कमांड कर लिया जाए ना, तो भाई यूपीएससी का 60% जीएस मेंस में और 55-60% प्रीलिमिनरी का जीएस निपट जाएगा सिर्फ एक ऑप्शनल से। कैन यू इमेजिन कि एक ऑप्शनल से, आज हम इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मतलब लोग क्या मिथ है इसके बारे में क्या बताऊं आपको,
ए बिग मिथ रिगार्डिंग पीएसआई अमंग सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स. क्या मिथ है? मिथ क्या है? मिथ ये है, इसका जो ऑप्शन जो सिलेबस है ना बहुत बड़ा है. अरे भाइयों, इसका सिलेबस वही आधा लिखा हुआ है जो आपके जीएस का सिलेबस लिखा हुआ है. एक बार तो देखा करो कि अगर जीएस में सब कुछ पढ़ना हो, जीएस में सेम चीज पढ़ना हो और ऑप्शनल में सेम चीज पढ़ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऑप्शनल पढ़ते हैं तो जीएस कंप्लीट और जीएस पढ़ते हैं तो ऑप्शनल कंप्लीट. लेकिन अगर ऑप्शनल पढ़ते हैं तो क्वालिटी आंसर की क्या होगी? और बेहतर होगी. सिर्फ जीएस पढ़ने से आप जर्नलिस्ट बनते हो. एक स्पेशलिस्ट एक जर्नलिस्ट का आंसर लिख सकता है. एक स्पेशलिस्ट एक जर्नलिस्ट का आंसर लिख सकता है, लेकिन एक जर्नलिस्ट एक स्पेशलिस्ट का आंसर कभी इस जन्म में नहीं लिख सकता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ यू आर स्टडींग पोलिटिकल साइंस, यू कैन राइट योर आंसर इन जीएस. But if you are GS, you are doing only GS, it will help in completing the syllabus. But you have to become specialist. समझ गए ना? तो जो professor होता है ना, NCERT का जो किताब लिखता है, NCERT कितने बड़े language लिखता है, कौन है वो? Professor है. It means आप जितना चाहो GS के answer की quality बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो. It will depend upon you. सिर्फ एक optional से. So ये myth है कि political science optional का syllabus बड़ा है. आज मैं आपको syllabus को दिखाऊंगा कि कैसे हर एक paper को cover करता चला जाता है political science optional. भाई please see this, एक एक करके देखते हैं. PSL criteria 1, if you feel interested. और तो मैंने क्या बोला कि या तो आप इंटरेस्टेड फील कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस में, नहीं तो मैं तुम्हें बोलता हूं कि इट विल सर्व योर इंटरेस्ट द मैक्स. और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं इसको, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं इसको, आपको चेक करके दिखाऊंगा लिटरली. और आपको ये पीडीएफ मिलेगा. आप लोग क्या करेंगे, 87 आप ध्यान रखिएगा, इस पीडीएफ को आप ले लीजिएगा. कहां पे? 87 मैडम का नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिसको भी चाहिए. 8750069419 है ना. इस पर मैडम से ये सिलेबस पीडीएफ मांग लीजिएगा. पिछली बार बहुत सारे लोगों ने मांगा नहीं था, ये पीडीएफ मांग लीजिएगा. और आप मैच कीजिएगा कि कैसे जीएस को कंप्लीट कर देता है ऑप्शनल 60%. आज हम देखने जाए, ठीक है? चलिए, ये है आपका जीएस का पेपर. अगर किसी को याद हो, ना याद हो तो अभी देख लो. ये है जीएस का पेपर जो आता है आपका. जीएस के चार पेपर होते हैं. पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी. ये सब्जेक्ट आते हैं जीएस पेपर 1 में. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी. समझ गए? ये आता है जीएस पेपर. जीएस पेपर 2 में क्या क्या आता है? इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस. ये जीएस पेपर 2 में आता है. जीएस पेपर 3 में क्या क्या आता है? इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट. याद रखिए, सिलेबस याद रखना जरूरी है अगर आप आईएएस में सच में सीरियस हो. अगर आप सच में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का सपना रखते हो, अगर सच में आप अपने जिले का सुपरिंटेंडेंट पुलिस ऑफ बन सकते हो, बनना चाहते हो, तो भाई साहब जो बोलू सुनते जाओ और नोट भी करते जाओ. समझ गए? तो जीएस पेपर 3 क्या है? इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट. ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपके आने वाले हैं जीएस में. और 4th है एथिक्स एंड मोरालिटी, एथिकल थिंकर्स, वेस्टर्न एंड इंडियन एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स एंड गवर्नेंस, केस स्टडी. ये सारी चीजें आपकी आती हैं जीएस पेपर 4 में. 1, 2, 3, 4. अब देखो, ये सारा जो जीएस का पेपर है 1, 2, 3 एंड 4, इसको देखो कैसे पॉलिटिकल साइंस कवर करता है. ये है पीएसआईआर कवर करता है इतना. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, इतने सिलेबस को ये कवर करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. दूसरा देखो, पॉलिटिकल साइंस का कवर करता है पूरा पीएसआईआर, पूरा सेकंड पेपर निपटा देता है. यार जीएस का सेकंड पेपर आपको तैयार करने की जरूरत ही नहीं एक लेवल ज्यादा, अगर आप पॉलिटिकल साइंस सिलेबस ऑप्शनल सिर्फ कमांड कर लेते हो तो. समझ गए? पेपर 3 में देखते हैं. पेपर 3 में ये देखो, इकोनॉमी एग्रीकल्चर का बहुत सारा पार्ट, एनवायरमेंट का पार्ट, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट, ये पूरा कवर कर लेता है भाइयों. ये साइंस टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट छोड़ के, छोटा छोटा पार्ट छोड़ के, बड़ा सब कवर कर ले रहा है. देखो, और जीएस पेपर 4 में ये देखो, ये पूरा कवर कर लेता है भाई. ये एथिकल थिंकर्स, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स एंड गवर्नेंस, सब केस स्टडी में पॉलिटिकल साइंस हेल्प करता है यार.
देखो कौन कौन कितना हेल्प करता है, पॉलिटिकल साइंस अकेले कवर करता है। अब ये तो ज्यादा भौकाल हो गया, नहीं बोलो, इतना भौकाल भी ठीक नहीं है भाई। लेट मी शो यू पॉलिटिकल साइंस इन एक्शन, राइट, लेट अस सी इट। सो जीएस पेपर वन एंड पीएसआईआर, ये है सिलेबस जीएस पेपर वन का। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो आपके ऑप्शनल में आती है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जीएस में आती है कि नहीं आती, पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करता है भाई आपका पॉलिटिकल साइंस। क्या बात कर रहे हो, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ लिया तो जीएस का पॉलिटिकल कंप्लीट या नहीं कंप्लीट हो गया ना। इसके बाद आप देखो वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक पॉलिटिकल साइंस पढ़ के कवर हो जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का पूरा कवर हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस में। इंडियन सोसाइटी, देखो ये सिलेबस लिखा है मैंने पॉलिटिकल साइंस का भाई, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस लिखा है। कास्ट रिलीजन एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, ये सब क्या है, ये सब कवर करता है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। लिख दिया है मैंने तुम्हारे आपको सम। ज्योग्राफी देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ये कवर हो रहा है ज्योग्राफी का पार्ट। सोचो जरा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आज आए पूछे जा रहे ना, वो आधा कवर कर लेता है भाइयों। ये क्वेश्चंस हैं जीएस के, लिखा है लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे ऑप्शन में, ये जीएस का क्वेश्चन है। डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस, ये सीधा क्वेश्चन पूछता है। मैं कह रहा हूं कि ये आपको समझ में भी नहीं आएगा ऑप्शनल का पेपर यार, ये पीडीएफ में आपको देखना ध्यान से और पढ़ना, और तब आपको पता चलेगा। मैंने बोला रिसर्च करो ऑप्शनल चुनने से पहले, बिकॉज दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द फाउंडेशन। और ये जो फाउंडेशन है, दिस फाउंडेशन इज लाइक दिस, कि आप उसे पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। जीएस पेपर टू देखो, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पूरा जीएस पेपर टू कवर करता है यार। ये पीएसआईआर का सिलेबस है। देखो ये द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, जो थोड़ा बहुत तैयारी भी किया होगा ना उसे समझ में आएगा कि पूरा इंडियन पॉलिटी पीएसआईआर कवर करता है। ये देखो पूरा, ये पीएसआईआर का सिलेबस देखो, सब जीएस में ये सब लिखा हुआ है आपके, ये पूरा सिलेबस ऑप्शनल का नहीं, जीएस में लिखा हुआ है। फिर से आप जाके मिलाओ इसको सबको, ठीक है। देखो ये सब, इसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशंस, ये पूरा देखो यार, जीएस पेपर सेकंड पूरा यार जाके मैच करता है यार। क्या बात कर रहे हो, मिथ पैदा कर रखा है लोगों ने, पूरा का पूरा ऑप्शनल जीएस में लिखा हुआ है यार, दोनों एक ही साथ तैयारी होती है भाई। वन स्टोन टू स्नैक्स, राइट, दो सांप मार दिया यार तुमने एक ही स्टोन से यार, क्या बात कर रहे हो। ये देखो पूरा भरा पड़ा, ये सब जीएस का सिलेबस है भाइयों एवं बहनों, समझो इसको, ठीक है। ये है क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन ये जीएस के हैं, सब कवर होते हैं भाई ये सब आप अपने ऑप्शनल के उसमें पेपर में देख लेना जाकर के, जो भी पीडीएफ होगा। जीएस पेपर थ्री देखो, जीएस पेपर थ्री कैसे कंप्लीट करता है, देखो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, देखो ये लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, प्लानिंग इकोनॉमिक, अरे भैया ये सब क्वेश्चन मेंस और प्रीलिमिनरी डायरेक्ट पूछे गए हैं भाइयों। वो डब्ल्यूटीओ, ग्लोबलाइजेशन, देखो ये सब क्या, ये आपके, अरे भैया आपके ऑप्शनल का सिलेबस है ये, ऐसा लगेगा तो जीएस में सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन बना के दिखा देता हूं, जीएस का क्वेश्चन दिखाता हूं, ऑप्शनल का सिलेबस दिखाता हूं, जीएस का क्वेश्चन दिखाता हूं, ऑप्शनल का सिलेबस दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। ऑप्शनल का सिलेबस पढ़ के जीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हो आप। एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, कंटेम्पररी ग्लोबल कंसर्न्स, एनवायरमेंट, एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट, सब लिखा हुआ है भाई। इंटरनल सिक्योरिटी देखो, इंटरनल सिक्योरिटी देखो कवर कैसे करता है, इलीगल क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंसी, बॉर्डर डिस्प्यूट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये सब ऑप्शनल का सिलेबस है, ये ऑप्शनल का सिलेबस है जो कि जीएस कवर कर दे रहा है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट कवर कर दे रहा है भाई। यह क्वेश्चन जीएस का, इसको देखना ऑप्शनल पढ़ के, जीएस के क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व कर दोगे आप। आजकल जीएस के क्वेश्चन इतने आसान नहीं आ रहे हैं कि आप ऐसे ही सॉल्व कर दो, लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा है ना आपने, चुटकियों में मसल डालोगे जीएस के क्वेश्चंस को। मैं बोल रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं, बिकॉज आई एम टीचिंग, सो आई एम टीचिंग जीएस, आई एम टीचिंग ऑप्शनल ऑल्सो। मैं कहता हूं पीएसआईआर पढ़ाता हूं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, ऑटोमेटिकली मैं 60% जीएस पढ़ा सकता हूं, अकेले काबिल, समझ गए आप, और स्पेशलिस्ट के तरीके से। तो जीएस पेपर फोर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, देखो पीएसआईआर कैसे कंप्लीट करता है, ये देखो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर था, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सर सैयद अहमद खान, सर श्री अरविंदो, एम के गांधी, देखो ये सब कवर करता है पॉलिटिकल साइंस।
सबके स्टेटमेंट मिलेंगे आपको एथिक्स के पेपर में। जो बंदा पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है वो एथिक्स के पेपर को भी निपटा डालेगा। प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, आपका क्वालिटेटिव आंसर होगा। डायरेक्ट देखो, जॉन रॉल्स जस्टिस, देखो ये लिखा हुआ है आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा भाइयों, डायरेक्ट। देखो, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटेड, डेलिबरेटिव, इक्वालिटी, राइट्स, ये सब आपका लिखा हुआ है। ये है क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस, ये जीएस का क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है। क्या लिखा है पहला, एनालाइज जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। को लगता है जॉन रॉल्स कोई जीएस वाला पढ़ता होगा बैठ के? हैं भाई साहब, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो और जीएस को निपटा दो, समझ गए ना भाई साहब। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से अगर पूछ रहा, देखो सिलेबस दिखाऊं मैं आपको, ये देखो जॉन रॉल्स लिखा है ना, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये ऑप्शनल का सिलेबस है भाइयों, और ये आपका जीएस का क्वेश्चन है। ये देखो भाइयों, सेम क्वेश्चन उठा के रख दिया यार। अब जरा सोचो ना, जो लोग नहीं जानते वो क्या करेंगे, हैं? ये देखो सारे क्वेश्चंस, देखो ये सब कौटिल्य का व्यू, देखो कौटिल्य का व्यू, कौटिल्य है ना अर्थशास्त्र, अभी दिखाया था मैंने सिलेबस में। अब पॉलिटिकल साइंस ऐसे राइटिंग, कैसे राइटिंग में निपटा सकता है क्या पॉलिटिकल साइंस? अरे हाँ भैया, अभी दिखाता हूं। 2020 से लेकर कोई पेपर देख लेना, ये 2020 का पेपर देखो, टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर, भाई साहब ये बिना पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से पढ़े हुए इसका अच्छा एसे लिखना मुश्किल है। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो ये एसे निपटा दोगे। अदर एसे देखो, अदर एसे, डेमोक्रेसी पे एसे, कॉलोनियल मेंटेलिटी पे एसे, स्मॉलर स्टेट पे एसे, देखो ना ये सब, सर्वेंट, क्या नाम है, सिविल सर्वेंट पे एसे, सॉफ्ट स्टेट पे एसे, गुड फेंसेज में गुड नेबर्स, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म, ये सब एसे पूछा गया भाई। तो ये सब निपटाता है हमारा पॉलिटिकल साइंस। देखो पंचायती राज पे, देखो ऑटोनॉमी, देखो ये सब, टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस, देखो टेररिज्म लिखा था सिलेबस में, भी दिखाया था ना, देखो ये सब आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। 2020 का पेपर दिखाते हैं आपको, 2020 का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर, थोड़ा बस दो मिनट पेशेंस रखो, आपको मजा आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जो पेशेंस आज रख लेगा ना मजा आएगा, जो पेशेंस देखता उसको तो आईएएस वैसे भी नहीं बनना है, वो तो भूल जाए। सो ए ग्लिम्स ऑफ पीएसआईआर, मैं बोल रहा हूं ना पेशेंस, जो बंदा पेशेंस नहीं रख सकता है, डेस्परेट होता है, वो तो भूल जाए। तो मैं फिर से बोल रहा हूं खुल के, ये है हमारा पेपर जो पूछा जाता है, राइट। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पे सीधा क्वेश्चन, जुडिशियल ओवररीच, तुम पे जीएस का पेपर तो देखो, ये सब क्वेश्चन ऐसा लगेगा जीएस का क्वेश्चन। देखो इंटर स्टेट डिस्प्यूट, देखो ना इधर, देखो इलेक्शन कमीशन, देखो ये सब क्वेश्चन कहां से, ये सब ऑप्शनल का पेपर है, ऑप्शनल का जीएस का नहीं है। Am I audible? सुनाई पड़ रहा है? इंटरप्शन हुआ था इंटरनेट का। आई थिंक नाउ इट इज फाइन। सो लाइफ भी ऐसे ही होती है, राइट।
एनीथिंग एनी टाइम यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड. तो आज के लिए मैं तैयार था, खैर मेंटली, बिकॉज पिछली बार नेटवर्क का इश्यू आया था. सो मैंने आज दो लिंक बनाए थे, अगर किसी को मैसेज गया होगा तो दो लिंक गए होंगे वहां पे. अगर एक लिंक नहीं काम करेगा दूसरे लिंक पे हम आ जाएंगे. बट देन द सेम लिंक इज वर्किंग, दैट इज वेरी थिंग. एक नई चीज पता चली कि अच्छा सेम लिंक पे भी फिर से लाइव किया सकता. तो ये जो खराब हुआ इससे एक अच्छी चीज मिल गई, वेरी नाइस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट PSIR. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम देन वाई ऑप्शनल, चूजिंग द ऑप्शनल इज द बेस्ट डिसीजन. 5 मिनट में सारा खेल खत्म करूंगा मैं, 5 से 10 मिनट में. और दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. वाई? बिकॉज अभी तक आपने मेंस को देखा है, पॉलिटिकल साइंस इन एक्शन फॉर मेंस एग्जाम, अभी और भी देखेंगे. तो क्या चीज करता है मेंस में ये? 60% जीएस के सिलेबस को कवर करता है एंड 40% क्वालिटी एनहेंसमेंट, जो सॉरी, और क्वालिटी एनहेंसमेंट करता है आपके आंसर्स में अगर आप लिखते हैं. और तब आपका आईएएस बनना, मतलब आप आईएएस बनना चाहते हो ना, आईपीएस बनना चाहते हो, लोअर रैंक तो नहीं पाना चाहते हो ना, 400 रैंक 300 रैंक तो नहीं चाहिए ना, टॉप रैंक चाहिए ना. टॉप रैंक दिलाने के लिए क्वालिटी जरूरी है. ओनली बाय फिनिशिंग द सिलेबस यू कैन नॉट बिकम आईएएस, यू नो ना. सिर्फ सिलेबस खत्म करने से आईएएस बना है कोई? नो. सो व्हाट टू डू? We have to finish the syllabus as well as we have to improve the quality of your answers. So that is going to, this political science is going to help in that. Now, क्या ये preliminary में help करता है क्या? Does it help in preliminary exams too? Yes. और अभी मैं दिखाता हूँ political science action में कैसे आता है, जो political science preliminary को चूर करके रख सकता है. The capability of preliminary, see this. More than 55 questions can be handled with the help of PSIR. 100 ही तो question आते हैं, 55 questions को हम handle कर सकते हैं. कैसे? One by one दिखाता हूं, जाकर के paper मिला लेना. Polity के कितने questions आते हैं? मैं 20 मान रहा हूं, कभी 22 आते हैं, कभी 25 आते हैं, कभी 17 आते हैं, कभी 15 आते हैं. मैं average 20 ले रहा हूं. 20 questions polity के cover करता है. क्या है polity? किसका syllabus है polity? पॉलिटिकल साइंस का. पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी आप डीप स्टडी करनी पड़ती है, और अगर आप डीप स्टडी करते हैं तो यू कैन हैंडल एनी क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी प्रीलिमिनरी. यूपीएससी प्रीलिमिनरी इज डिफरेंट फ्रॉम पीएससी. जितने भी स्टेट पीएससी के प्रीलिमिनरी हैं, उनका बाप है यूपीएससी का प्रीलिमिनरी. जो एसडीएम बन जाते हैं, जो डीएसपी बन जाते हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी एसडीएम और डीएसपी, उनका प्रीलिमिनरी निकल रहा. वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फोकस प्रॉपरली, मेंटेलिटी नहीं चेंज कर पा रहे हैं भाई. वो जीएस जो उन्होंने पीसीएस के लिए पढ़ा है उसी मेंटेलिटी से यूपीएससी जाते. नो, यूपीएससी मेंटेलिटी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जिसका है उसके लिए ऐसी मेंटेलिटी की प्रॉब्लम नहीं आती. वाई? बिकॉज ही हैज डीपर स्टडी. तो 20 क्वेश्चन पॉलिटी के. इंटरनेशनल रिलेशन से मैं आपको बताता हूं 15 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन. 2016 में 27 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन हम सिर्फ 15 क्वेश्चन मानते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां से 15 क्वेश्चन. तो 20 क्वेश्चन यहां से, 15 क्वेश्चन यहां से. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन मान रहा हूं. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, और अदर्स में जो इकोनॉमी वगैरह तो मैंने जोड़ा भी नहीं है भाई, वहां से भी 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो मोर देन, ध्यान से देखो, 20, 15, 35, 15, 50 और 5, 55 to 60 questions के बीच में कवर करता है पॉलिटिकल साइंस. यानी कि इस पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को लेने से आपका प्रीलिमिनरी निपट जाएगा भाई. प्रीलिमिनरी निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया? मेंस निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया? एसए निपटा दिया कि नहीं निपटा दिया? सब देखो आप. इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआर से, इंडियन पॉलिटी से, गवर्नेंस से, आप देखो सोसाइटी से, सब तो कवर करता है यार. ये कहां से पूछे? कुछ कर ही नहीं सकता. यू पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से उससे बाहर क्वेश्चन पूछा ही नहीं सकता. लेकिन क्या पॉलिटिकल साइंस इसलिए जाना जाता है? पॉलिटिकल साइंस इसलिए जाना जाता है क्योंकि इट इज डायनामिक इन नेचर. पॉलिटिकल साइंस जो इस साल पढ़ा है अगली साल भी उसे अपडेट करना पड़ सकता है. तो हम अगर फ्रेशर हैं, हमने एक अटेम्प्ट ही दिया है, सो वी कैन बीट दोज पीपल हु आर ऑलरेडी आईपीएस. एक आईपीएस ऑफिसर अपने रैंक को बढ़ाने के लिए, आईएएस बनने के लिए फिर से एग्जाम में बैठता है साहब. एंड इफ एनीबडी सिटिंग इन द एग्जाम, वी कैन बीट देम. वी कैन बीट देम हाउ?
जस्ट बाय चूजिंग पॉलिटिकल साइंस. व्हाई? बिकॉज़ ये करंट अफेयर से अपडेट करना पड़ता है, ये डायनामिक है नेचर में. यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के स्टाइल को हल्का सा चेंज करना है. जो जीएस के हिसाब से पढ़ते थे उसे पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से पढ़ना. जो दो घंटे ढाई घंटे का पेपर आप देख रहे हो, इसे में ऑप्शनल कंप्लीट ले. जो आप पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ऐसा कौन सा ऑप्शनल है भाई साहब जो न्यूज़पेपर पढ़ने से कवर होता हो? पॉलिटिकल साइंस है. न्यूज़पेपर सभी लोग कहते हैं ना बाइबल है कि नहीं है, कहते हैं ना भाई कि बाइबल है, गीता है, इसे जरूर पढ़ो नहीं तो यूपीएससी में नहीं होगा. ऐसा पीसीएस के लिए नहीं कहते लोग. सो न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल है पीएसआईआर में. और यहीं पे जो अपडेट करेगा पॉलिटिकल साइंस को न्यूज़पेपर से, वो उनको बीट कर सकता है जो ऑलरेडी आईपीएस. उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो तो ट्रेनिंग पे चले गए, नौकरी करने लगे, उनको तो मिल गई चीज. लेकिन तुम उनको बीट कर सकते हो, लेकिन जो हिस्ट्री पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, उसको बीट नहीं कर सकता है. लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाले को बीट किया जा सकता है, एक आईपीएस ऑफिसर को बीट किया जा सकता है. तो कैसे कंप्लीट करेंगे इसको, थोड़ा सा देखो. अगर ऐसी न्यूज आ जाती है आपके न्यूज़पेपर में, दैनिक एक्सप्रेस जो पढ़ रहा होगा, ऐसी न्यूज आ जाती है, तो इसको क्या करेंगे? पॉलिटिकल साइंस के लिए भी यूज कर लेंगे भाई साहब. अगर ऐसी न्यूज आ जाती है, ध्यान से देखो, ये देखो किताब का नाम द इंडिया वे, किसका है? जयशंकर साहब का. अगर ऐसी न्यूज आ जाती है, इस पर कोई भी आर्टिकल आ जाता है, प्लीज आप यहां से अपडेट कर लो. पॉलिटिकल साइंस आपका अपडेट हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस अपडेट हो रहा है, आप बेहतर होते जा रहे हो. देखो ये बुक है, बुक रिव्यू आता है ना, आपने देखा होगा, ये भी काम का है भाई. पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, तो जीएस क्या करना है, पॉलिटिकल जो आपका न्यूज़पेपर है उसको पढ़ते समय क्या करना है, अपने को मेंटेलिटी हल्का सा चेंज करनी है. देखो ये देखो मोदी इज वर्ल्ड, भाई साहब पढ़ो और कंप्लीट करो. सीधा राजा मोहन का है. देखो अब थोड़ा सा हल्का सा मैं कंपैरिजन कर लेता हूं डिफरेंट ऑप्शनल पेपर से. हमने पहले भी बात की थी कि जो डिफरेंट ऑप्शनल पेपर से, उनसे अपने को क्या करना है, उनसे अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ देखना है कि कितना बेटर है. पीएसआईआर एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी, पीएसआईआर ज्योग्राफी, पीएसआईआर हिस्ट्री, पीएसआईआर पब्लिक एड, पीएसआईआर फिलोसफी. तो अगर यूपीएससी के जीएस के सिलेबस को कवर करने के लिए, एसए को कवर करने के लिए, इंटरव्यू को कवर करने के लिए, प्रीलिमिनरी को कवर करने के लिए, अगर हम सबको जोड़ेंगे और एक स्केल बनाएं, ये स्केल तो देखिए पीएसआईआर को हमने दिया है यहां पे, पीएसआईआर को 100, तो ज्योग्राफी कितने पे है, 60 पे, तो हिस्ट्री कितने पे है भाई साहब, 45 पे, रैंक में बता रहा हूं आपको. फिलॉसफी कितने पे है, 40 पे. एंथ्रोपोलॉजी कितने पे है भाई साहब, तो मैं कहूंगा इसको इट इज ओनली 25. सोशियोलॉजी ओनली 25. ऐसा नहीं कि सोशियोलॉजी पढ़ने वाला आईएएस नहीं बने, क्यों नहीं बनेगा? मैंने बोला है यहां पे सारे ऑप्शन वाले आईएएस बनते हैं और आप भी बन सकते हो, निगेटिव होने की जरूरत नहीं है. बट मेरा कहने का मतलब है आसान किसमें है, इजी किसमें है, आपका एक सब्जेक्ट, मैंने बोला फाउंडेशन, द फाउंडेशन इज, इफ फाउंडेशन इज पॉलिटिकल साइंस, इफ फाउंडेशन इज पॉलिटिकल साइंस, देन जीएस, देन एसए, देन इंटरव्यू, देन प्रीलिमिनरी, सबको हम कवर कर सकते हैं. दैट इज द मोटिव. सो 100% पॉइंट्स आपको पीएसआईआर को दिया जा रहा है अगर, तो 60 ज्योग्राफी को, 45 हिस्ट्री को, 40 फिलोसफी, पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं. हिंदी वगैरह और जो लिटरेचर वगैरह, ये तो मैं अपन रिकमेंड ही नहीं करते यार. अगर आपका रहा है एमए वगैरह में, बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा नोट्स बनाए, गो फॉर इट. बट अगर ऐसा नहीं है तो डोंट गो फॉर इट, बिकॉज दैट विल बी डेंजरस. किसी और के कहने से नहीं लेना है. मैंने क्राइटेरिया बता दिया है, इसका पीडीएफ आपको लेना है भाई साहब, ठीक है? व्हाई टू चूज मी, व्हाई टू चूज मी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप तैयारी करो सिविल सर्विसेज की, 4 साल, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं. अगर आप 4 साल से तैयारी करो और आप पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाए, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हो पाए, मान लो तीसरे में आपने इंटरव्यू दिया, चौथे में आपने इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाया, आपको पता है ना गलतियां कहां कहां होती हैं, आपको पता ना है गड़बड़ कहां कहां होता है. फिर आप गाइड करना शुरू करते हो लोगों को, तब आपको और पता चलता है, गाइडेंस करते हो, लर्निंग करते हो, सीखते हो. 10 साल के बाद आपका छोटा भाई डिसाइड करता है कि उसे आईएएस बनना है, क्या आप उसको वो गलतियां करने दोगे? 10 साल बाद, आपकी तैयारी के 10 साल बाद कोई इंसान
यानी आपका छोटा भाई तैयारी करने के लिए आता है, क्या आप उसको वो गलतियां करने दोगे? नहीं, मुझे तो 20 साल हो गए, मैं आपको एज ए ब्रदर गाइड करूंगा और आपसे कोई गलतियां नहीं होने दूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। टॉर्चर करूंगा, पटक डालूंगा, मेरे पास आओगे तो मार खाओगे। एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको आईएएस बनना है तो मुझे यू हैव टू ट्रीट मी एज योर ब्रदर, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि मेरे आंखों के सामने, हां तो मुझे छोड़ दो, सिंपल, द डे तुमने ब्रेक किया रिलेशन, खत्म हमारा रिश्ता। बट इफ यू आर अंडर मी, यू हैव टू बिकम आईएएस, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि मैं तुम ही हूं। मैंने अगर चार कंपनियां छोड़ी और यहां पे आया सब कुछ छोड़ के सिविल सर्विसेज में, तो सिर्फ एक चीज के लिए कि आई विल डाई फॉर यू, आई विल लिव फॉर यू। तो तुम्हारे साथ ही मैं क्या करता हूं, सक्सेस होता हूं, तुम्हारे साथ ही मैं क्या होता हूं, फेल होता हूं। हर साल मैं जीतता हूं, हर साल मैं हारता हूं, और तुम्हारे साथ। तो यू आर मी एंड आई एम यू, तो ये सिर्फ इसके अलावा है और कुछ नहीं है। सो आज के लिए इतना करते हैं, अगर किसी को जरूरत है वो पीडीएफ की तो आप लोग क्या करेंगे, मैडम को मैंने नंबर बताया था 8750069419, आप उस पर पीडीएफ मांग लेना मैडम से, वो पीडीएफ आपको दे देंगी और आपको पता चल जाएगा कि वाई पीएसआईआर और कैसे ऑप्शनल चुने। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून। किसी को भी अगर पसंद आता है ये तो मैडम से आप बात करें और आगे के लिए करें। हाँ, इसके साथ साथ जो भी लोग चाहें वो 2 डेमो क्लासेस मेरे अंडर में ले सकते हैं, वो हमारे ऐप पे होगा। आप लोग आईएएस दरबार ऐप को डाउनलोड करेंगे हमारे गूगल प्ले स्टोर से और वहां पे हमारी 2 क्लासेस लीजिए, 2:30 बजे ही क्लास होती है, 2 क्लास लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई टू चूज मी। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।